तो गाइस हम लोग पिछले 2 साल से माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं एंड अब मैं माइनक्राफ्ट से थोड़ा बोर हो चुका हूं, तो इस बार मैंने ट्राई किया कुछ अलग, यानी कि आज हम लोग खेलने वाले आयलक्राफ्ट। एंड आयलक्राफ्ट माइनक्राफ्ट का ही हार्डेस्ट वर्जन है। आयलक्राफ्ट का मतलब होता है रियल लाइफ क्राफ्ट, एंड इसमें सब कुछ रियल लाइफ जैसा है। मेरे बात मानो, अपने इन छोटे मोटे क्रिएचर्स को अपने स्कूल या कॉलेज जाते हुए तो देखा ही होगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम लोग अपने इस रियल लाइफ क्राफ्ट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये फ्री है एंड आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। स्पॉन होते ही सबसे पहले मेरे सामने एक मुर्गी थी, और ये काफ़ी अजीब मुर्गी थी, और इसका नाम तुर्की, व्हाट द हेल, इस मुर्गी का नाम तुर्की था, और पता नहीं मुझे ये मुर्गी किसी की याद दिला रही थी। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले उस मुर्गी को स्वर्ग लोक मतलब कि भेज दिया, और #रेस्टपीस तुर्की भाई। उसके बाद मैंने सोचा इस आयरन को एक्सप्लोर करने का, और ये शुरू होते ही ख़त्म हो गया। एंड तभी मुझे सामने दिखे डियर भाई, और उसके बाद स्वागत नहीं करोगे हमारा सल्लू भाई की आखिरी इच्छा, आई मीन सल्लू भाई के बताए गए नक्श कदम पर। मैंने इस हिडन के साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया, इसे थोड़ी जन्नत की सैर करवाई। एंड जब मैं पानी में आगे बढ़ रहा था तो पता नहीं मुझसे किसकी क्या दुश्मनी थी, मेरे ऊपर एक अजीब से जानवर ने हमला कर दिया। एंड इस बंदे ने मुझे इतना मारा कि क्या ही बताओ। उसके बाद मैं वापस से उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगा, एंड मुझे एक आयरन मिला ही था कि मेरे को पता नहीं किसी ने मेरे पैर में जंजीरें बांध दी। और ये कौन सा जानवर था, अगर मुझे वो दिख जाता तो मैं उसकी वाट लगा देता। लेकिन लिटरली मैं पानी में डूब रहा था, मैं जैसे तैसे करके ऊपर आया अपनी जान बचाने के लिए, और मेरे ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका था, आई मीन मैं घुटके मरने वाला था, और मैं इसके पहले मरूं मैं उसके पहले ऊपर आ गया। देन वापस से उस अजीब से प्राणी ने मेरे ऊपर हैवी वाला डोज दे दिया, डोज नंबर 3 था ये, हाँ। उसके बाद मुझे वो जानवर मिला, और ये लिटरली, क्योंकि ये रियल लाइफ क्राफ्ट है तो रियल लाइफ के सारे क्रिएचर यहाँ पर है। आपने इसे ज़रूर अपने तालाबों में देखा ही होगा, क्योंकि ये है रियल लाइफ क्राफ्ट। एंड लिटरली मैंने इस अजीब से दिखने वाले जानवर को सबसे पहले मारा, और मुझे इस पे सलमान भाई और कुछ मछलियाँ भी मिली थी, मैंने सबको कलेक्ट किया। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पानी के बाहर निकला, क्योंकि मुझे ठंड लग चुकी थी, और मुझे वहाँ पर एक हट मिला। मैंने सोचा कि भाई ये विच हट होगा, इसे लूट लेते हैं। उसके बाद मुझे वर्ल्ड में काफ़ी कचरा मिला, एंड देन पानी में आगे बढ़ रहा था, और मुझे एक बिच, आई मीन एक जलपरी ने अपनी तरफ आकर्षित कर दिया अपने तीखे तीखे नैनों से। और ये जलपरी कम चुड़ैल ज़्यादा थी, वी कॉल्ड हिम चुड़ैल, और ये चुड़ैल मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। आई मीन मैं आकर्षित नहीं हो रहा था, बट ये अपने तरफ खींच रही थी। यार अभी ऐसे कौन करती है भाई, यार चुड़ैल है भाई ये, वेल खेल चुड़ैल ही सही, कोई तो मुझे पसंद करती है, कैट ओवर स्क्रिप्टिंग। एंड उसके बाद मुझे इस चुड़ैल ने एक ज्ञान की बात बताई, और वो ज्ञान की बात क्या थी वो मैं भूल गया, वट एवर। एंड देन उसके बाद मैं मर गया, यू किल बाय बेबी बेबी। और उसके बाद मैं दूसरी जगह स्पॉन हुआ बेबी से मरने के बाद, बट तभी मुझे एक स्केलेटन दिखा जो बाजा बजा रहा था। एक्चुअली ये BTS वाला स्केलेटन है, और BTS वालों ने इसे निकाल दिया था, तो डेट्स वाई ये यहाँ पर आकर के बाजे बजाता है। एंड हाँ, ये बंसी भैया कह सकते हो, बांसुरी वाले भैया ये हमारे। देन मैंने बंसी भैया को मुक्ति दे दी, क्योंकि इनके लिए यही सही था। #RestInPeace स्केलेटन भैया। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा था, और देन मुझे यहाँ पर एक मेंढक की आवाज़ सुनाई देती है। मैं पीछे देखता हूँ, एक बड़ा सा मेंढक मेरे ऊपर हमला कर देता है, एंड देन उसके साथ एक जॉम्बी भी होता है। एंड उसके बाद मुझे उस मेंढक ने ज्ञान की बात बताई, और वो बात क्या थी वो तो मुझे भी याद नहीं है, बट हाँ कुछ ज्ञान की बात बताई। देन उसके बाद मैं एक जॉम्बी के हाथों मारा गया, एक शर्मनाक मौत के साथ मेरा अंत हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद मैं वापस स्पॉन हुआ, एंड मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैंने गलती से कुछ क्रिएचर्स को नहाते हुए देख लिया। एंड देन उसके बाद इन्होंने मेरी जो वाट लगाई, इतनी वाट लगाई, लाइक तीनों ने मिलकर मुझे कुछ ज़्यादा ही मार दिया, लेकिन शांति से भी बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं बोला। उसके बाद इन्होंने मुझे ज्ञान की बात बताई कि कभी किसी को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए, परेशान मत करना। एंड ये बात वो प्यार से भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। उसके बाद मैं पत्तों पेड़ों को तोड़ करके मतलब डंडे इकट्ठा कर रहा था, एंड तभी यहाँ पर हो जाता है मेरे साथ चमत्कार, पेड़ से एंट निकल जाता है, और ये वो छोटा वाला एंट नहीं था, ये बड़ा वाला एंट था। और इन्होंने मुझे ज्ञान की बात बताई कि कभी भी पेड़ मत काटना।
और अगर तुमने पेड़ काटा तो तुम पिल दिए जाओगे। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि इन एंड के साथ फाइट करूँ, क्योंकि असल ज़िंदगी में तुम्हें इन एंड को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये है रियल लाइफ क्राफ्ट। उसके बाद मैंने इन एंड्स के ऊपर हमला किया, क्योंकि मुझे कूल बनना था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था भाई। ऊपर से मेरे ऊपर बिजली गिरी, उसके बाद मैं वापस इनसे लड़ने आया और दूसरी बार भी। लाइक लिटरली भगवान की मेरे से क्या दुश्मनी थी मुझे नहीं पता। फिर मैं दूसरी जगह आया और यहाँ ओवर वर्ल्ड में एक ब्लेज था भाई, और इसने मुझे इतना ज़्यादा मारा कि मैंने वहाँ से भाग जाना ही सही समझा। और असल ज़िंदगी में भी तुमने ब्लेज को इधर उधर भटकते देखा ही होगा अपने स्कूल या कॉलेज जाते हुए। और मुझे ऊपर से सल्लू भाई के ईगल की आवाज़ सुनाई दी। मैं भी सोच पड़ेगा कि सल्लू भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, बट मैंने सोचा नहीं वो नहीं होंगे। उसके बाद मुझे राह में चलते एक भेड़ दिखी, जो अजीब सी भेड़ थी। इसने मुझे एक ज्ञान की बात भी बताई, और वो बात क्या थी वो मुझे अभी तक याद नहीं आ रही है, जब आएगी तो बता दूंगा। उसके बाद मुझे एक काली वाली भी भेड़ की प्रजाति मिली, और मुझे ये सोन पड़ी मिली जिसे तुमने स्कूल जाते हुए ज़रूर देखा होगा। तुम देखते ही होगे, क्योंकि ये है रियल लाइफ क्राफ्ट, रियल लाइफ की सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद मुझे एक अजीब से शेप वाला एक शिप मिला, ये शिप था या बंगला था या कुछ भी था, बट कुछ तो मुझे मिला जो अजीब सा था बस। उसके बाद मैं आगे बढ़ा था, मेरे पीछे अचानक से दो अजीब से कराके नाम के क्रिएचर ने हमला कर दिया, वो भी कराटे करते हुए, क्योंकि इनके पास हाथ नहीं थे, ये अपने मुंह से मुझे मार रहे थे। और उसके बाद मैंने वहाँ से कटना से ही समझा, और असल ज़िंदगी में भी तुमने इन्हें देखा ही होगा, क्योंकि यह है रियल लाइफ क्राफ्ट, और रियल लाइफ में आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा कराटे करते हुए। उसके बाद मैं उस बिल्डिंग के अंदर गया, एंड मुझे वहाँ पर दुनिया भर का कचरा मिला, और साथ ही में सलमान भाई बदला लेगा मैं, सलमान भाई नहीं रहे गाइस। और उसके बाद सलमान भाई का बदला मैं लेने वाला, बट उसके पहले मैं सो जाऊँ। मैं आगे बढ़ा था, मुझे कुछ विलेजर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए दिखे, और ये इस वक्त ये षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे मुझे यहाँ से निकाले। उसके बाद मैं एक लाइब्रेरियन के घर पर गया और रात यहीं पर सो गया। उसके बाद मैं सलमान भाई का बदला लेने के लिए गया, क्योंकि डियर का भाई बियर नहीं उन्हें मारा होगा, और इस वजह से मैं उनका बदला लेने गया, और उसके बाद मुझे वो बियर मिल गया। मैंने सल्लू भाई का बदला लेने का सोचा, बट ये मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल निकला, और इसने मुझे कुछ ज़्यादा ही पेल दिया। उसके बाद मैंने वहाँ से कटना सही समझा, और मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मेरे साथ एक हादसा हो गया, सैड लाइफ में मारा गया। तो आज के लिए इतने रख रहे, अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। एंड अगर तुम में से किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मैं सच बता सल्लू भाई को तुम्हारे घर का एड्रेस दे दूंगा, उसके बाद तुम वहाँ पर फुटपाथ पर निकले ना तो पेल दिए जाओगे।